Hey Modern Star, how are you all? Hope all are very good and also enjoying your studies, increasing your knowledge. So dear student, once again I'm here with your new video. This is English reader book and chapter 10, A Poetic Mood and Lack of Food. Okay students, firstly notice that what are your title of your chapters? A Poetic Mood and Lack of Food. It means that yahan par kavi का मूड जो है पोएम लिखने का है, पोएटिक मूड है एंड लैक ऑफ फूड और पेट उसका खाली है खाने के बिना, तो किस तरीके से वो कविता लिखेगा। ओके बच्चों, पहले हम स्टोरी को रीड करने से पहले आज हम चैप्टर्स वर्ड मीनिंग को रीड करेंगे जिससे हम रीडिंग को आसानी से कर सकें। तो एवरीवन टेक आउट योर इंग्लिश रीडर बुक एंड ओपन योर चैप्टर 10, अ पोएटिक मूड एंड लैक ऑफ फूड। लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट्स। ओके, व्हाट इज हियर, दिस इज योर फर्स्ट वर्ड मीनिंग इमिनेंट। इमिनेंट मीन्स बच्चों क्या होता है, फेमस। फेमस मीन्स प्रसिद्ध हो जाना। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, एगिटेट। एगिटेट मीन्स क्या होता है, अपसेट। अपसेट मीन्स निराश। नेक्स्ट आपका वर्ड क्या है, विलफुली। विलफुली मीन्स क्या होता है, डेलिबरेटली। ओके, डेलिबरेटली। आगे देखते हैं, पैंग्स ऑफ हंगर, इट मीन्स दैट स्टमक एक कॉज्ड बाय हंगर। इट मीन्स दैट जब भी पेट में दर्द होता है ना भूख की वजह से, उसे हम कहते हैं पैंग्स ऑफ हंगर। डेस्पिकेबल, डेस्पिकेबल मीन्स क्या होता है बेटा, एक्सट्रीमली अनप्लीजेंट, मतलब बहुत अधिक उदास रहना, ठीक है, दुखी रहना। नेक्स्ट वर्ड क्या है, हॉर्न्स। हॉर्न्स मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पे हॉर्न्स मीन्स होगा ट्रबल्स कंस्टेंटली। ओके, ट्रबल कंस्टेंटली। नेक्स्ट वर्ड क्या है, मॉर्सल। मॉर्सल मीन्स क्या होता है, माउथ फुल्स। ओके, माउथ फुल्स, जिसे हम क्या कहते हैं, खुराक। सो ऑल स्टूडेंट फर्स्टली रीड केयरफुली, आफ्टर दैट कंप्लीट ऑल योर वर्ड मीनिंग इन योर इंग्लिश नोट्स। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, सैवरिंग। वॉट इज द मीन्स ऑफ सैवरिंग, इंजॉइंग। इंजॉइंग मीन्स क्या होता है, आनंद लेना। सैवरिंग मीन्स क्या होता है, आनंद लेना। टिमिडली, टिमिडली मीन्स क्या होता है, नर्वसली। नर्वसली मीन्स घबरा जाना। ओके क्लास, नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, आउट ऑफ बाउंड्स। आउट ऑफ बाउंड्स इट मीन्स दैट अ प्लेस वेयर वन इज नॉट अलाउड। इट मीन्स दैट जहाँ पे जाने को मनाई हो। ओके, जहाँ जाने को मना हो उसे हम कहते हैं आउट ऑफ बाउंड। नेक्स्ट वर्ड आपका क्या है, एग्जीक्यूटिव। एग्जीक्यूटिव मीन्स क्या होता है, एक्सट्रीमली ब्यूटिफुल। इट मीन्स दैट अत्यधिक खूबसूरत होना। ओके डियर स्टूडेंट, इसी तरीके से सारे वर्ड मीनिंग का आप स्क्रीन शॉट ले लेंगे और नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग में रीड करते हुए राइट करेंगे। चलिए बच्चों आगे देखते हैं, ब्लिसफुल साइट। व्हाट इज द मीन्स ऑफ ब्लिसफुल साइट, अ व्यू दैट मेक्स वन वेरी हैप्पी। किसी भी चीज़ को देखकर बहुत खुश होना, उसे हम कहते हैं ब्लिसफुल साइट। क्या कहते हैं, ब्लिसफुल साइट। नेक्स्ट वर्ड क्या है आपका, प्रोडिडिंग। क्या है, प्रोडिडिंग। अब प्रोडिडिंग की मीनिंग्स क्या होगी, पोकिंग विद अ फिंगर। पोकिंग विद अ फिंगर। चलिए नेक्स्ट वर्ड देखते हैं, नेस्टी। नेस्टी मीन्स क्या होता है बच्चों, अनप्लीजेंट। अनप्लीजेंट, नाखुश जिसे कहते हैं। ओके, एंड योर नेक्स्ट वर्ड इज हेडल। हेडल मीन्स क्या होता है बच्चों, कर्ड अप। कर्ल्ड अप इट मीन्स दैट मुड़ा हुआ। लास्ट वर्ड मीनिंग आपका है सप्रेसिंग। सप्रेसिंग मीन्स क्या होता है बच्चों, यहाँ पर मीनिंग होगा ट्राइंग। सो एवरीवन फर्स्टली रीड केयरफुली, आफ्टर दैट कंप्लीट योर वर्क इन योर इंग्लिश रीडर नोट्स विद नीट एंड क्लीन हैंड राइटिंग एंड आफ्टर दैट लर्न इट। ओके बच्चों, आप वर्ड मीनिंग को अच्छे से सुंदर सुंदर शब्दों में लिखेंगे और याद करेंगे, उसके बाद हम चैप्टर को नेक्स्ट पार्ट में कवर करते हैं। ओके क्लास, टेक योर स्क्रीन शॉट एंड आफ्टर दैट राइट योर वर्ड मीनिंग इन योर नोट्स।
Enjoy your video, dear students, and take care.